बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन वीक होने के कारण न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। कुछ बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ है, जैसे ISC हुआ, WB बोर्ड हुआ, WBHSC हुआ, इन सारे जगह पे कैलकुलेटर अलाउड है। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश बोर्ड देखें, बिहार बोर्ड देखें, तो यहाँ पर कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। और बच्चे आता हुआ सम्स, जो कि बहुत आसान होता है, आता हुआ न्यूमेरिकल्स वो लोग छोड़कर चले आते हैं। तो आज पहले वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे करें सॉल्व, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, वो सारा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर्स का नाम है लॉ ऑफ इंडिसेस, और इसे हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। तो आज हम लॉ ऑफ इंडिसेस का कुछ फॉर्मूलाज और उसका क्या क्या अप्लीकेशन है, कैसे हम लोग केमिस्ट्री में उसका यूज करके अपने कैलकुलेशन को आगे करेंगे, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको वो बेसिक्स बता रहा हूँ, जिसको बोला जाता है बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे हमारे पास a^m एंड a^n है। यहाँ यदि मैं देखूँ बेस सेम है और मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जस्ट आपको पावर को ऐड कर लेना है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर को ऐड कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और यदि यही डिवीज़न में रहे a^n, मैं देख रहा हूँ बेस सेम है, बेस यदि सेम है तो जस्ट पावर को माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपका हो गया। और यदि हमारा कोई इस टाइप में नंबर हो a^m और इसका पावर n है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस m और n का मल्टीप्लाई कर लेना है और ये हो जाता है mn। यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसका पावर माइनस में हो, इसको जस्ट हम लोग बाई में कर देते हैं a^n। और यदि किसी नंबर्स का हमें किसी नंबर्स का पावर जीरो मिलता है, तो उसका मतलब हो गया वन। ज़्यादा नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जस्ट इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। मैं एक एक का अप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे, इन तीनों को तो विशेष करके आपको ध्यान में रखना।